तो चलिए डियर स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। अब फिजिक्स है, जैसे कि एनसीईआरटी का फिजिक्स में जो है, एनसीईआरटी के बुक्स में साइंस का फिजिक्स हमारा दसवां लेसन से स्टार्ट होता है। हमारा पहला लेसन है प्रकाश का प्रावर्तन तथा अपवर्तन। इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। फटाफट अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए माय डियर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल प्रकाश के प्रावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यह हमारा सबसे बड़ा थ्योरी है, क्योंकि अगर कुछ भी है, आपके पास आंख है लेकिन प्रकाश नहीं है, तो आप वस्तु को नहीं देख सकते हैं। भले प्रकाश किसी भी चीज से आए, चाहे वह सूर्य से आए, चंद्रमा से आए, ठीक है, टॉर्च से आए, या अदरवाइज दिया से आए, कोई भी चीज से आए, किसी भी चीज से प्रकाश आए, बस प्रकाश होना चाहिए। जब तक प्रकाश नहीं होगा हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, ये असंभव है। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो अब थोड़ा सा चर्चा हम एक छोटा सा पॉइंट इस पर करेंगे कि प्रकाश जो है आता कितने तरीकों से है, यानी कि किस किस चीजों से प्रकाश आता है। तो आपको एक चीज समझ लेना होगा, यहां पे मैं एक सादा पेज का यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। चलिए समझते हैं कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश किन चीजों से आती है। तो चलिए हम प्रकाश आने के लिए कुछ चीजों का जो है ना लिस्ट तैयार करते हैं, जैसे कि सूर्य, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम रख लेते हैं चंद्रमा, ठीक है, उसके बाद रख लेते हैं दिया, ठीक है, उसके बाद रख लेते हैं हम लालटेन, ठीक है, और भी कई सारी चीजें होते हैं जैसे कि टॉर्च, ठीक है, मोमबत्ती। मैंने कई सारी चीजों के नाम लिख रखे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको ये चीजें समझाना चाहता हूं कि वैसे तो प्रकाश के कई सारे स्रोत हैं। आप ये समझ लीजिए, प्रकाश जिन चीजों से आता है ना उसको हम स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत। यानी कि ये सूर्य, चंद्रमा, दिया, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सारी चीजें क्या है, प्रकाश का स्रोत है, यानी कि इन सब चीजों से आता है, इसको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत में कई सारी चीजें हैं जो मैंने यहां पे लिख के बताया आपको। अब आप ये चीज समझ लीजिए कि प्रकाश स्रोत जो होता है ना, ये आप ये समझ लीजिए कि प्रकाश प्राकृतिक और मानव निर्मित दो चीजें से आती। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है, एक होता है प्राकृतिक। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित, अब देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, प्राकृतिक और मानव निर्मित में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये, वैसे चीजें जो नेचुरल है, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जिसमें इंसान नहीं बनाया, जिसको इंसान नहीं बनाया है, उसको हम प्रकृति स्रोत कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। और वैसा चीज जो मानव बनाया है उसे हम मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि प्रकाश आता है सूर्य से, चंद्रमा से, तो ये चीजें जो है, ये दोनों चीज है क्या है, नेचुरल है, इसको इंसान नहीं बनाया है, तो ये ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हुए, ठीक है। और दिया है, लालटेन है, टॉर्च है, मोमबत्ती है, ये सारी चीजें मानव निर्मित है, क्योंकि इनको जो है मानव ने निर्माण किया है, इसलिए ये जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गए। आई होप प्रकाश के स्रोत, प्रकाश क्या है, उसके स्रोतों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हुई। चलिए इसी बात पर एक लाइक कमेंट कर दीजिए। चलिए अब चैप्टर को देखते हैं। अब यहाँ पे प्रकाश के गुण क्या होता है उसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस सब्जेक्ट पे। क्या करा है, प्रकाश का यह गुण होता है कि वह हमेशा सरल और सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी किसी वस्तु से निकलती है ना, तो वह हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, यानी कि जाती है, वह कभी भी मूर्ति नहीं है। दूसरा उसका खासियत क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए प्रकाश एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह वर्क करता है, इसलिए इसको कहीं भी आने जाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बस वह डायरेक्ट सीधी दिशा में जो है वह अपने आवश्यकता अनुसार जो है गमन करती है। तीसरा होता है प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाती है। अब यहाँ पे देखिए अपारदर्शी वस्तु का जिक्र किया गया है, तो वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। अब वस्तु जो है, वस्तु दो प्रकार के होते हैं, ठीक, पहला होता है पारदर्शी, ठीक है, और एक होता है दूसरा अपारदर्शी,
ठीक है, पारदर्शी और अपारदर्शी में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए कोई भी चीज जिससे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चला जाता है ना, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते होइएगा, बड़े बड़े शॉप्स में, तो आपको ऐसे शीशा लगा हुआ दिखाई देता होगा जिससे आप इस पार से उस पार तक आसानी से देख सकते हैं। तो वैसी चीजें जिसको आप इस पार से उस पार आसानी से देख सकते हैं उसको हम पारदर्शी कहते हैं, और जिसके इस पार से उस पार देखना असंभव होता है, जिसको हम इस साइड से उस साइड तक नहीं देख सकते हैं, वह अपारदर्शी कहलाता है। आई होप पारदर्शी और अपारदर्शी समझ गए, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसको अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाती है, यानी कि अगर प्रकाश कोई भी चीज का जो है हमेशा एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है ना, ये देखिए जैसे कि मैंने ये पेन यहां पे रखा तो यहां पे एक ये शैडो बन रहा है, तो ये तीक्ष्ण शैडो कहलाता है, यानी कि ये डार्क है, दिख रहा है कि ये शैडो है। तो और पारदर्शी चीज में जो है शैडो बनता है, लेकिन वो इतना पतला होता है ना कि उसको हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, बहुत गौर से बहुत ध्यान से देखने पे वो हमको दिखाई देता है। जैसे कि इसका डार्क है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे छाया बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज को समझिए। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश जो है तीन चीज में चलती है, वो एक एक करके पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया, वायु में, शून्य में, है ना, ये सब चीजों में। तो प्रकाश की चाल जो है ना निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने मीटर प्रति सेकेंड से जो है प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में चलता है, वह कितना स्पीड से चलता है। ठीक है, अब चलिए प्रकाश के परावर्तन क्या है। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अब कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी रास्ते में शीशा को रख देते हैं और उस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, दूसरे माध्यम में मुड़ जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि एक कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश निकलता है और सामने क्या होता है कि यहाँ पे जो है दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है समतल दर्पण हम रख देते हैं, ये दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है। प्रकाश जब यहां से निकल के इस पे पड़ती है तो शीशा क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है किसी दूसरे दिशा में। प्रकाश इधर से प्रकाश स्रोत से निकल के शीशा पे टकराया और ये दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट कर दिया, यही परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया प्रकाश का परावर्तन, है ना। चलिए अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह चीज समझ गए। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक के तल में होते हैं। देखिए इस पॉइंट को घबराना नहीं है, ये पॉइंट मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। इसके लिए यहां पर देखिए मैंने एक फिगर को डिस्क्राइब किया है, इसको समझिए क्या कह रहा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहां पे एक दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए समतल दर्पण है। ठीक है, अभी यहां पे समतल दर्पण रखा हुआ है, प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है और यहां पे टकरा रहा है इस बिंदु पे, तो ये जो इधर से आ रहा है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये जो आ रहा है आपतित किरण कहते हैं, और इधर जा रहा है, इधर वापस इस दिशा में मुड़ गया, इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। आने वाला को आपतित और जाने वाला को परावर्तित, क्योंकि आया और ये परावर्तित हो गया, तो ये परावर्तित किरण कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए बीचों बीच में जो रेखा डालते हैं ना उसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। अब बीचों बीच में रेखा डालने से क्या होता है, अगर हम बीच में ये रेखा डालते हैं तो आपतित किरण के आने से परावर्तित किरण होने के बीच में जब ये बीच में जो ये रेखा आता है तो इस पर दो कोण बन जाते हैं। देखिए एक कोण, दो कोण, दो कोण बन रहा है ना, तो आपतित किरण के साइड को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण के साइड को परावर्तन कोण कहते हैं, और ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि I इक्वल टू R होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, आप ये भी हिंदी में समझ लीजिए कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है। ठीक है, समझ गए। और आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, दोनों एक ही तल में होता है। और समझ गए प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम, ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब आगे देखिए, चैप्टर्स में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी आप लोग जो है वीडियोस को शेयर नहीं कर पाते हैं, ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए पूरा चैप्टर को एक साथ खत्म करने में मजा नहीं आ रहा है।
तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं एक दिन में एक चैप्टर लाइव आके पढ़ा सकूं। लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, जो अभी तक नहीं हो पाया, बहुत कम है। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा मैं लाइव आऊंगा और तब आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, फिर आगे प्रतिबिंब के बारे में हमको पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। Bye, my dear.